ये मामा का चैनल है और ये व्लॉग आप लोग उधर ही देख रहे हो। तो मामा तो इस वक्त घर में है, लेकिन उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है कि तुमने जाना है। और इधर एक गांव है, हम सिरकोट वाली सड़क पे चढ़े हुए हैं। जो 22 इलाके के रहायशी हैं उनको पता है कौन सा इलाका है। इधर आगे एक गाँव है दर्रा, उधर हम जा रहे हैं दरिया की जो खालिस मछली होती है वो लेने के लिए। हमारे मेहमान आ रहे हैं स्पेशल उनके लिए, तो अभी आगे देखना आप लोग, ठीक है। अभी देखो पापा को मैंने कहा प्यास लगी है, तो पापा जो है ना पूरी माशाल्लाह से 1.5 लीटर वाली पेप्सी की बोतल ले आए हैं, अभी हम ये पियेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, जो आपने पिछला सीन देखा है जुनेद फिश लेने गया था, मैं आपको बताती मेरी दोनों बहनें आई हुई हैं माशाल्लाह से। वो सीन आपने देखा होगा, बस से उतरे हैं बड़े सालों बाद, 12 साल के बाद तो मेरी सिस्टर उज़्मा आई है, तो बड़ी खुशी थी। तो अफजल भाई जो छोटी सिस्टर आसमा है, अफजल भाई को फिश बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास जो तरबेला की है। जुनेद वो फ़िश लेने गया हुआ था पापा के साथ, लेकिन वहाँ से नहीं मिली। कहते हैं कि आजकल के मौसम में आपको नहीं मिलेगी, गर्मी अरूज पे है, लेकिन बात शौक ही होती है, तो वो नहीं मिली। फिर अफसोस तो बहुत ज़्यादा हुआ कि मैंने कहा था इंशाल्लाह इस दफ़ा आपको लाजमी खिलाएंगे, तो वो आते ही गर्मी में है, तो फ़िश तो सर्दी में होती है, तो इतनी ज़्यादा खुशी है घर में मेहमान आए और तरबेले में जब कोई आता है, मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि यहाँ कोई काम ही आता है मैं चली जाती हूँ, वो कहते सबसे मुलाकात हो जाती है। अब्दुल्ला इधर आओ मेरी तरफ, भाग के आओ। ये लोग नमाज वगैरह पढ़ी है, नाश्ता किया, नाश्ता नहीं किया सॉरी, चाय पी थी। ये अब्दुल्ला है उम्मा का बेटा, तो कह रहे थे हम पहले दरिया पे जाएंगे, तो ये जब भी आते हैं ना पहले सारे हम दरिया पे जरूर जाते होते हैं, इनके साथ ही मैं जाती हूँ, अकेले तो मैं कम ही जाती हूँ। तो सुबह सुबह फिर हमने दरिया की सैर की, सही थकावट हुई थी, फिर मैंने सौदा बताया हुआ था मियाँ साहब को, वो लेके आना है। मैंने कहा दोपहर का मेन्यू में मटन कढ़ाई होगी, शाम को चिकन पुलाव बनाएंगे, सारा कुछ मैंने तफसील सारी लिखाई हुई थी, फिर भी जो जो कहते ज़रूरत हो मज़ीद बताना। तो जुनेद फिर शायद साथ ही गया था सौदा लेने, हाँ जी जब ये फ़िश लेने गए हैं शायद उसके बाद इन्होंने वो, मैंने कहा था मटन और चिकन भी साथ ले आना, और भी काफ़ी कुछ था, कुकिंग हम सब ने तीनों ने बहनों ने मिल के की, क्योंकि जब ये आते हैं तो फिर बहनें जब आई हों तो आपको पता है आराम होता है बहुत ज़्यादा। तो मज़े के साथ फिर हमने मेन्यू बनाया कि ये करेंगे, चीज़ें मैंने सारी मंगवा ली थी, सलाद का सामान, स्वीट डिश, मैंने वो कस्टर्ड मैंने कब बना लूँ, वो सबको पसंद होता है। तो इस तरह दिन गुजर रहा है, पूरा 1-2 दिन उन्होंने मेरे साथ गुजारने थे, और मैंने कहा कि पहले सारी तैयारी कर लूँ, लेकिन उस रात हमारी लाइट चली गई, इधर वो आसमानी बिजली गिरी, जिससे हमारा एक रूम कूलर भी ख़राब हुआ है, और छोटी सिस्टर को शुगर का मसला है ना, तो फिर मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें भी मंगवाई कि उसको भी आसानी हो। फिर मैंने घर आके पराठे बनाए कि इधर आपको मैंने पहले भी बताया नान और ऐसी चीज़ें तो मिलती नहीं है, ब्रेड हमें पसंद ही नहीं है, फिर मैं पराठे बना रही थी, साथ साथ बाकी काम भी कर रही थी, अंडे फ्राई किए, कीमे का सालन मैंने रात को ही बना लिया था, तकरीबन उसका लाइट आई थी उसके साथ ही मैंने चने वगैरह भी बॉयल किए, आलू भी बॉयल किए, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार की जब चीज़ नहीं है तो फिर हर चीज़ हमें घर बनानी पड़ती है, तो जब गपशप करें तो खाने पीना भी साथ हो तो मज़ा फिर ज़्यादा आता है। तो आज का भी हमारा मेन्यू कुछ अभी डिसाइड नहीं हो रहा था कि क्या करना है ना, तो ये तो कल क्या है मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ। और इसमें एक ये भी टेंशन है, जुनेद का मोबाइल बिक चुका है, वो भी लाना है, वो एक लहदा टेंशन सर पे सवार है अभी इसकी, वो भी बात चल रही है, वो भी आप एक व्लॉग देखा है कि जुनेद का मोबाइल सेल हो चुका है। इस्लामाबाद में एक आदमी से बात हुई है, वो तकरीबन 44,000 का कह रहा है, 44,000 का, तो मैं नहीं मान रही, मैं कह रही हूँ जुनेद उसको तकरीबन 42 पे तो लेके आओ। जुनेद कहता है नहीं मामा बात डील डन हो चुकी है, मैंने कहा 2,000 तो किराया भी लग जाएगा, यहाँ पे मैं कस्टर्ड बना रही हूँ, तो कस्टर्ड थोड़ा सा मुझसे कम डाल गया, ऐसे लग रहा था 1 चम्मच की कमी रह गई, ज़्यादा था माशाल्लाह से, तो मैं तकरीबन ना 1.5 लीटर तक बनाती हूँ, कल तकरीबन 1.25 लीटर के करीब था, थोड़ा सा ना कह ले 1 चम्मच का सिर्फ मुझसे फ़र्क हुआ, 1 चम्मच और चाहिए था। ये मैंने टैंक डाला, वैसे मैं जूस मंगवाती होती, मैंने कहा चलो आज टैंक ही बना लेती हूँ, जल्दी जल्दी मैं भूल गई थी ये सौदे में लिखवाना, तो मार्केट आपको बताया ना दूर है, बार बार इधर सौदा नहीं मिलता, फिर मैंने जल्दी जल्दी टैंक बना लिया, साथ जेली ओनी फ्लेवर की शायद ये जेली मैंने बनाई है, तो ये भी काम कर रही। तो भी मैं कहती हूँ ना जेन पे अभी इतनी ज़्यादा टेंशन है, अभी ये तो वीडियो आप देख रहे हैं कल के सीन है, तो मैं उस पर अभी वॉइस कर रही हूँ। आज अभी हमने नाश्ता करना है, अभी हम दरिया से आए हैं, नमाज़ पढ़ के फिर दरिया पे गए थे, अभी नाश्ता बनेगा, फिर हमने आज बोट की सैर करनी है, जो मेरा अगला व्लॉग आएगा ना उस पर इंशाल्लाह आप सारा कुछ वो देख रहे होंगे, सारा वो भी सीन आपको इन्जॉय कराए जाएंगे। तो आज शाम को इनकी खैर से वापसी है, दिल तो नहीं करता ये लोग जाए, लेकिन मेहमान जितने दिन भी रहे खैर से उन्होंने जाना अपने घर ही होता है, तो माशाल्लाह से है, खैरियत से जाएँ, जहाँ रहें खुश रहे, आबाद रहे,
आप लोग मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। जो सारे मेरे साथ तावन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला आपको अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए। तो ये मैं काम कर रही थी, इसके बाद क्या कुछ मेरे जहन में चल रहा है मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि जब सब आए होते हैं ना तो दिल होता है जल्दी जल्दी काम निपटे और मैं इनके साथ बैठ के गपशप करूं। तो अभी मैं कह रही थी उज़्मा को कि उज़्मा आओ अब तुम और मैं मिलके नाश्ता बनाते हैं, पराठे मैं बनाऊंगी, वो आज मूड हो रहा है ऑमलेट बनाने का, तो देखते हैं आज क्या बनता है, वो आपको साथ शेयर किया जाएगा। रात को हमने मटन कढ़ाई बनाई थी, छोटी सिस्टर ने माशाल्लाह से कमाल कर दिया, इतना मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो जुनेद भी उसका सो चुका था, तो उसके पापा लेट हो रहे थे, वो कह रहे थे हम आके खाएंगे, तो आज दोपहर को वो खाएंगे, लेकिन आज दोपहर में मैं नहीं, जो है शायद चिकन पुलाव का है। तो अभी मैं नाश्ता बनाऊंगी, फिर एक सिस्टर दोपहर का खाना करेगी, लेकिन दरमियान में हम जाएंगे बोट की सैर करने, और इनकी अभी बुकिंग भी करवानी है, शाम को वापसी है। मैं इनको ये भी नहीं कह सकती कि हो रहे, क्योंकि अफजल भाई का नाश्ते का काम है, तो उनकी पहले ही 3 छुट्टियाँ हो चुकी हैं, तो लाजमी बात है काम को भी फिर देखना होता है। इन लोगों ने आज दिन का सफ़र करना था, मैंने बोला कि नहीं आज रात को जाना, गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता कि दिन का सफ़र करें। तो ये मेरा यहाँ पे कस्टर्ड देखें, इधर भी 2 डिब्बे जाली के चाहिए थे, क्योंकि माशाल्लाह से ज़्यादा था ना मटेरियल, लेकिन मज़ा बहुत आया है, टेस्टी बना है, माशाल्लाह से ख़त्म भी हो चुका है। अभी जो लास्ट था सुबह जुनेद ने खाया, क्योंकि जुनेद ने रात को खाना नहीं खाया हुआ था, सुबह उठा तो इसने, फिर आंटी ने इसको कस्टर्ड दिया कि आप ये खा लो। अभी हमने आए हैं दरिया से मैंगो वगैरह खाए हैं, उसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा सारे लेट गया, थके हुए हैं, तस्वीरें देख रहे हैं। छोटी सिस्टर ने मोबाइल लिया, वो बड़ा ज़बरदस्त इनको मिल गया, इनका मोबाइल कब से ख़राब था, तो जुनेद अक्सर बताता है जहाँ से अच्छा मोबाइल मिलता है, तो उसके अंकल ने उसको बोला जुनेद हमारे लिए भी इस दफ़ा देखना, तो उसको तकरीबन 55,000 वाला मोबाइल इनको 23,000 में मिल गया, तो बड़े खुश हैं माशाल्लाह से अच्छा सेट इसको मिल चुका है। तो यहाँ पर मैं आलू चने तैयार कर रही हूँ, तो बस यही होता है ना जब मेहमान आए, खाने पीने का शुगर ज़्यादा होता है, अपनों के साथ जब मिलके बैठता है ना वक्त गुजरने का पता चलता है, ना समझ आती है, दिल करता है हर चीज़ उनको खिलाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहमानों की खिदमत की जाए, क्योंकि अल्लाह ताला खुश होता है, मेहमानों के दिल खोल के खिदमत करनी चाहिए, अल्लाह राज़ी होता है बहुत ज़्यादा, दिल को भी सुकून मिलता है। और मेहमान अल्लाह ताला की ऐसी खास रहमत और नेमत है कि इनके आने से हम भी अच्छी अच्छी शायद चीज़ें खाते हैं। जुनेद तो अक्सर यही कहता है कि मामा ये मेहमान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत होते हैं, इनकी वजह से हम भी कितनी अच्छी अच्छी डिशेज खाते हैं। देखा जाए तो आम रूटीन में हम इतना अहतमाम एक दिन में थोड़ी करते, अगर एक चीज़ बनाई है तो वही हम कहते हैं आज जैसे हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन जब मेहमान आते हैं तो माशाल्लाह से एक ही दिन में काफ़ी कुछ बन जाता है। सारी चीज़ें अभी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा खाने पीने का, सलाद की कटिंग मिलके की, किसी ने कुछ काटा किसी ने कुछ काटा, तीनों बहनें जो है ना फिर हाथों हाथ, मैं बल्कि देखा जाए तो इनके आए मैंने बर्तन एक भी नहीं धोया, अकेली वैसे मैं काम करती, लेकिन यह अकेला इनको दोनों को खुश रखे और आबाद रखे, दोनों ने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जब जब ये आती हैं तो इसी तरह होता है। उज़्मा तो बहुत देर के आई बाद आई है, 12 साल के बाद आई है, छोटी सिस्टर जो आसमा है ये मेरी 3 साल के बाद आई है, तो माशाल्लाह जब ये आते हैं तो मुझे बिल्कुल रेस्ट मिल जाती है, जैसे कोई काम करना ही नहीं होता। कुकिंग ये पराठे मेरे हाथ के बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, पराठे आप ही आप बनाएं, बाकी ये काम जो है मिलजुल के कर लेती हैं, दोनों एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह से, खाने बड़े शानदार बनाती हैं। आलू चने रेडी हो चुके थे, इसका ये होता है टाइम टू टाइम भूख लगी है, गपशप कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें फिर बननी होती हैं, बस खाने की होती है, बस पकड़ो खा ली और फिर बर्तन धो के फारी हो गए, फिर हम गपशप में पुरानी बातें कर ली। तो इस वक्त हम शायद शाम को निकले हैं सोबड़े की तरफ। हाँ जी, हम अब यहाँ पे हमने जुल्कार भाई ने सैर करवाई है हमें कंट्रोल रूम की, मैंने बोला पावर हाउस दिखाएं, कहते हैं कि सॉरी पावर हाउस हो नहीं, आजकल बैन है तो वो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पे अभी हमें इतना मज़ा आया, इनके साथ हमने भी फर्स्ट टाइम ये देखी है ये बिल्डिंग की, हम ये अगर तुरबेले में आए ना तो कंट्रोल है, ये गेटों का जो कंट्रोल रूम है ना उसकी हमें सारी सैर करवाई गई है। अल्लाह ताला जुल्कार भाई को भी खुश रखे, इन्होंने माशाल्लाह से मेहमानों को मतलब टाइम दिया और मेरे कहने के भी उन्होंने बात मान ली, मैंने एक ही दफ़ा बोला तो कहते हैं कि उन इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा, उनकी ड्यूटी भी नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने मतलब सुबह की ड्यूटी थी, सेकंड टाइम उन्होंने जाके हमें ये, शाम के वक्त हम तकरीबन पहुँचे हैं 6 बजे वहाँ पर, 5:30 बजे हम यहाँ से निकले थे, तो 2 बाइक्स पर हम बैठे थे, मेरे साथ दूसरी सिस्टर बैठी थी, तो वहाँ तक हम गए, आधा घंटा लगता है हमारे घर से वहाँ तक जाने में, जो ब्लैक सूट में मैं जा रही हूँ, तो बस हमने वहाँ पे अंदर अभी दाखिल हो चुके हैं, थोड़ी देर हमने वहाँ पे आधा घंटा गुजारा, लेकिन माशाल्लाह से कमाल की, एक ही रूम था लेकिन मज़े का था, सुकून इत्मीनान,
ये सारे गेटों के बारे में ये भाई ने हमें बताया, इनकी इस वक्त ड्यूटी थी, ये भी राइट बैंक में ही रहते हैं, पूरी तफसीर। ये जुल्फकार भाई, इनको तो आप अक्सर मेरे व्लॉग्स में देख चुके हैं ना, तो इनकी ड्यूटी सुबह की थी, तो इन्होंने बोला कि मैं इंशाल्लाह आपको सैर करूँगा। फिर हमें ये समझा रहे थे यहाँ की जो डिटेल है गेटों के बारे में, सारा कुछ इन्होंने बताया, तस्वीरें वगैरह इन्होंने बोली आप खींच लें काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से। अफजल भाई ने, जुनेद ने बहुत ज़्यादा तस्वीरें ली हैं। फिर अभी हम सैर करके बाहर आ चुके हैं, फिर जुल्फकार भाई बोल दें अभी हमारी तरफ चलें। इन्होंने आगे माशाल्लाह से काफ़ी मेहमान नवाजी हमारी की, मेहमानों की, तो हमें तो कहा था सिर्फ एक कप चाय पियेंगे, लेकिन माशाल्लाह से पूरा पार्टी का माहौल बना हुआ था वहाँ पे। पहले उन्होंने हमें जूस वगैरह पिलाया है, तो उसके बाद फिर खूब इन्होंने तमाम किया हुआ था, पूरे घर की सैर कराई। इनका जो बेटा है ना माशाल्लाह से खेती बाड़ी बड़ी प्यारी करता है, पूरा उन्होंने अपना चमन हमें दिखाया। मैंने भी इनके साथ ही देखा, वैसे अक्सर मैं सर्सरी सी जो भी चीज़ होती थी तो अक्सर इन्होंने कहना आप ये ले जाएँ, तो खाने पीने का प्रोग्राम के बाद इन्होंने पूरा वो हमें सैर करवाई है। ये देखे माशाल्लाह से इनके अपने काफ़ी चीज़ें हमें, अमरूद इतने टेस्टी थे, आलू बुखारे, बनाना वगैरह, और फिर सब्जियाँ, बैंगन, शिमला मिर्च, मतलब जो मौसमी सब्जी, जो मौसमी फूल है। माशाल्लाह से इनका बंगला बड़ा है, तो ये डबल कॉर्नर भी प्लाट है इनका, तो इन्होंने गन्ना तक माशाल्लाह से लगाया हुआ है। मेहनत है ना, इसरार का शौक है ये, नहीं तो इस उम्र में लड़के लावबाली से होते हैं, कोई परवाह ही नहीं होती है उनको, लेकिन ये माशाल्लाह से इसरार है, ये बड़ा मेहनती बच्चा है। माशाल्लाह से सारी चीज़ें इसने लगाई हुई हैं शौक से, मोहब्बत से, ये जान नहीं छुड़ाता है काम से। और इसकी लेमन वगैरह भी हमारे घर में अक्सर आते हैं, काफ़ी चीज़ें ये लोग भेजते रहते हैं हमें भी, मोहब्बत की बात है। यहाँ पे छोटी सिस्टर पे काम कर रही है, मटन कढ़ाई बना रही थी, रात का टाइम था, घर आ गए जब मैं तो कह रही थी कि मैं बनाती हूँ, फिर वाकई इसने मज़े की बनाई है, बहुत मज़ा आया। दिनेश सो चुका था, उसके पापा ड्यूटी पर जा चुके थे, फिर हमने साथ वाले बाहर निकले, उसामा खड़ा था, मैंने कहा उसामा में रोटी ला के दो इसके साथ, तो फिर घर की रोटी नहीं ना मज़ा करती, मैंने कहा एक कोक ला दो और हमें छः रोटियाँ जा के ला दो। हम तीन चार बंदे थे, तो बस जहाँ जितनी देर में ये सालन बना रही थी, 15 मिनट इसने तकरीबन वेट लगाया, फिर खोल के देखा, कह रही थी 5 मिनट और लगाते हैं। तो इसका तरीका मुझसे ज़रा मुख्तलिफ है, मैं और तरह बनाती, इसने और तरह बनाया, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह मैं आपको ये पूरी रेसिपी बना के दिखाऊँगी, बहुत मज़े का लगा है और आसान तरीका, इसमें टाइम बिल्कुल ही नहीं लगा, तो कह लें कि टोटल आधा घंटा लगा ये तैयार होने में। बनना ये दोपहर को था, लेकिन नाश्ता लेट हुआ, उसके बाद फिर ये ऊपर की चीज़ें खा रहे थे, तो कह रहे थे अभी खाना हम रात को खाएंगे, तो खाना दोपहर को इन्होंने खाया ही नहीं है, वो नाश्ता लेट हुआ, लस्सी वगैरह बन गई, काफ़ी काम मतलब खाने पीने का शुगर चलता रहा, फिर वो आलू चने खा लिए, उसके बाद वो कस्टर्ड का प्रोग्राम हो गया, फिर उधर चले गए, उधर इतना इहतमाम उन्होंने किया हुआ था, तो फिर खाना रात में बात कहाँ खाया जाता। फिर रात को हमने तकरीबन 9:30-9:30 बजे के करीब खाना खाया है। तो मैं आपको अपनी सारी बातें व्लॉग इसलिए शेयर कर रही हूँ, आजकल मेरी स्पेशल कुकिंग की वीडियो नहीं बन रही है। इंशाल्लाह ये जुनेद का ज़रा मोबाइल आ जाए, मेरी तबीयत सेट हो जाए, फिर मैं अपनी रूटीन पे आऊँगी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे व्लॉग में ज़्यादा मज़ा आता है, मैं जुनेद को कहती हूँ मुझे कुकिंग से ज़्यादा व्लॉग में मज़ा आता है, लेकिन कहता मामा रोज़ का रोज़ नया कॉन्टेंट आप कहाँ से ढूंढा करेंगे, इसके लिए तो नया कॉन्टेंट रोज़ चाहिए होता है। रेसिपीज का तो ये होता है कि रोज़ जो भी बनना है नए से नया ही बनता है ना, तो देखें जो भी होगा इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर किया करूँगी, चाहे वो रेसिपी कोई बनाऊँ, चाहे मैं मतलब हम बाहर जाएंगे इंशाल्लाह। चलें बादशाह से हमारा खाना रेडी हो चुका है, हम खाते हैं खाना है। आप लोग वीडियो को एंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें, तोहफे तोहफे का भी सिलसिला चला है। तो ये मुझे बेड शीट्स वगैरह सिस्टर छोटी लेके आई है, बाकी मैंने भी इनको दिया। फिर दुआ में मुझे याद रखें, जल्दी मिलते हैं, फिर अल्लाह हाफिज़।